नमस्कार, आप देख रहे हैं रामधनिया न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। राजस्थान के 17 नए जिलों व 3 नए संभागों को लेकर भजनलाल सरकार ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेम चंद्र बैरवा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है। राज्य सरकार पूर्ववर्ती सरकार के समय आनन फानन में बनाए गए 17 नए जिलों व 3 नए संभागों की जमीन मजबूत कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इनके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार और वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है। पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव से पहले नए जिलों और संभाग तो बना दिए थे, लेकिन कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति के अलावा जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ था। कई नए जिलों में कलेक्टर सहित अन्य जिला स्तरीय कार्यालय तक के लिए परिसर नहीं है। कुछ जिलों में क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद थम नहीं पाए हैं। नवगठित केकड़ी जिले में 5 उपखंड क्षेत्र व 6 तहसीलों के अलावा 9 पुलिस थाने एवं 8 पुलिस चौकी शामिल है, लेकिन एसपी, एडिशनल एसपी और डिप्टी का कार्य क्षेत्र एक ही रखा गया है, जिसके चलते पुलिस अधिकारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोडा राइजिंग को केकड़ी जिले में शामिल कर लिया गया, लेकिन पुलिस को अभी भी न्याय कामकाज के लिए टोंक ही जाना पड़ता है। सरकार द्वारा बनाई गई मंत्रिमंडल उप समिति क्या निर्णय लेती है, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन केकड़ी जिले सहित बनाए गए सभी नवगठित जिले के लोगों में जिले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने राजस्व विभाग की ओर से 17 नए जिलों व 3 संभागों को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का बुधवार को आदेश जारी किया। इसके अनुसार राजस्थान उप मुख्यमंत्री बैरवा को संयोजक तथा उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी नए जिले व संभागों का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार तय करेगी। मौजूदा परिस्थितियों में इन जिलों व संभागों के संचालन, प्रशासनिक आवश्यकताओं व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि को लेकर रिपोर्ट देगी। कमेटी का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग होगा। नवगठित केकड़ी जिले में 5 उपखंड क्षेत्र है। इनमें केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवा, टोडा रायसिंह शामिल है। इसके अलावा 6 तहसीलों को भी शामिल किया गया है, जिनमें केकड़ी, सावर, सरवाड़, भिनाय, टोडा रायसिंह और टाटोती तहसील है। केकड़ी जिला बनने से पहले यहां पर सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय थे। केकड़ी जिले के परिसीमन के समय जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक का कार्यक्षेत्र एक ही रखा गया है, जो पुलिस अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। केकड़ी जिले में केकड़ी शहर, केकड़ी सदर सराना, सावर सरवाड़, भिनाय बोराड़ा, टोडा रायसिंह व मोर पुलिस थाना शामिल किया गया है। इसके अलावा केकड़ी शहर बगेरा, सापला, गोयला, पिपलाज, टाटोती, बांधनवाड़ा व टोडा रायसिंह शहर पुलिसों की शामिल है। ग्राम पंचायत से दो दो सीधा जिला तो बन गया, लेकिन यह पहला ऐसा जिला मुख्यालय है जहां दमकल तक नहीं है। ऐसे में आग लगने के बाद आसपास के छोटे कस्बों से दमकल पहुंचती है। ग्रामीणों का कहना है कि आग लगने पर किशनगढ़ टोल, बगरू टोल, किशनगढ़ नगर परिषद जयपुर व फुलेरा नगर पालिका से अग्निशमन वाहन आते हैं, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो जाता है। जिले में आगजनी की कई बड़ी घटनाएं घटित हो चुकी है। नवगठित जिला और संभागों की समीक्षा के लिए बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार जिलों और संभाग से कम या ज्यादा पर निर्णय लेगी। उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने चुनाव से ठीक पहले केकड़ी, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, खेरदल, ब्यावर, नीमका थाना, डीक, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, डीडवाना, सलुम्बर, साजोर और शाहपुरा सहित 17 जिले और बांसवाड़ा, पाली व सीकर 3 संभागों का गठन किया था। इन जिलों और संभागों के गठन के बाद भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वोट बैंक की राजनीति का लाभ लेने के लिए नियमों को दरकिनार करते हुए नए जिलों और संभागों का गठन किया है। इनके गठन में भौगोलिक क्षेत्रीय स्थिति को नहीं देखा गया। दूदू को जिला बनाने पर खूब विवाद हुआ था। दूदू में केवल 3 तहसील आती है। इतने छोटे से क्षेत्र को जिला बनने पर सवाल उठे थे। अब जिलों के रिव्यू के लिए बनी कमेटी के संयोजक डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा है, जो दूदू से विधायक है।